नाम हो गया इनरदेव कुमार, चंद्रमणि कुमार और उमा शंकर शाह। महिला महिला हमारा पत्नी हो गई अंजलि देवी। इंडस्ट्री एरिया में मुसरी गाड़ी थाना थाना है तो बताए ना भाई, किस काम से आया है, क्यों आया है, किसको ले जाने आया है, बस पूछने भर पुलिस थाना मुसरी गाड़ी थाना। कारण कारण पता नहीं, काम कुछ बताया ही नहीं। वारंट नहीं, वारंट नहीं। किस चीज़ से आपको मारा? बंदूक के कुंडा से मारा है, बांस से मारा है। घटना कहाँ पर हुआ? घटना हरपुर अलौत इंडस्ट्रियल एरिया में। क्या नाम हुआ आपका? इंद्रदेव कुमार। कितना आदमी उसमें? उसमें लगभग 8 आदमी जख्मी, 8-9 आदमी जख्मी। दो जीप आया है अपना मुसरी गाड़ी थाना, ठीक है। पप्पा का हाथ पकड़ लिया, घटना पकड़ लिया और गाड़ी में बैठाने लगा। भाई बेटा है, पूछेंगे ना कि क्या बात है, क्यों ले जा रहे हैं, तो बोला अरेस्ट वारंट है। तो किस बात का है? तो बस तू हमसे रंगदारी करेगा, बोलेगा तू ऐसे ऐसे करके हमको पकड़ के, तुम ऐसे करके एकदम अजीब तरीका। थाना अंतर्गत हरपुर अलौत के पास माननीय न्यायालय से निर्गत वारंट का तामिला करने थाना अध्यक्ष मुसरी गरार और उनकी टीम पहुंची थी। उनके परिवार वालों को विधिवत जानकारी देते हुए उनकी गिरफ्तारी भी की गई। गाड़ी पर बैठाने के दौरान में जो माननीय न्यायालय से निर्गत वारंट है NBW, उनके परिवार और अन्य सदस्य पुलिस से उलझ गए और उनको छुड़ाने का प्रयास किए। इसी क्रम में पुलिस पर पथराव और बोतल से हमला भी किया गया, जिसके कारण पुलिस जख्मी भी हुई है और किसी तरह से पुलिस अपना बचाव कर रही थी, लेकिन जो पुलिस के कब्जे में NBW वारंटी थे वो उनको छुड़ा लिया गया। पुलिस तत्काल के जो पुलिस के जो जवान और अन्य लोग जख्मी हुए हैं उनका इलाज भी कराया जा रहा है और पुलिसकर्मी अभी तक चोटिल हुए हैं और पुलिस वाहन को भी क्षति पहुंची है। इधर से भी तत्काल रोकथाम के लिए जो भगदड़ हुआ उसके कारण जो है हल्की सी चोटें आई है, उनका भी इलाज कराया जा रहा है और इसमें गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। सर, आरोपी ये चर्चा कर रहा था, आरोप लगा रहा था कि पुलिस वाले पैसा मांग रहे थे, राइफल के पर से मारपीट कर रहा था। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये आरोप निराधार है। वो पूर्व में भी शराब के कांड में अभियुक्त रहे हैं, उनके घर से शराब की बरामदगी भी हुई है और आज माननीय न्यायालय का वारंट निर्गत है उनकी जानकारी के बावजूद, क्योंकि वहाँ पुलिस थाना अध्यक्ष स्वयं थे और पुलिस टीम थी, ये आरोप निराधार है। कहाँ पर घटना स्थल है? हरपुर अलौत के पास घटना, गांव में। थैंक यू।